तो यहाँ पे हम देखने वाले कि इस बॉक्स में है क्या जो आया है हमारे लिए। और इसके ऊपर जैसा आपको ये हेलमेट दिख रहा है, तो अगर आप मेरा बहुत पुराना वीडियो देखेंगे तो जैसे कि मैं बोईसर से पुणे गया हूँ तो ये हेलमेट को यूज़ किया हूँ। और ये बहुत ही प्यारा हेलमेट है भाई, KTM के साथ बहुत शूट करता है। सो इसे साइड में रखते हैं और देखते हैं कि इस बॉक्स में मतलब है क्या इसमें। आई थिंक सो लगता है मेरे लिए ट्रॉफी आया रहेगा। बिना देरी किए मैं फटाफट इस बॉक्स को अनबॉक्स करता हूँ। तो उससे चाकू की तो कोई ज़रूरत नहीं, मतलब खुल जाएगा। और काफ़ी बड़े बड़े टेप इसमें यूज़ किए कि आप इजीली अनबॉक्स कर सके। देखा आपने, मैंने बिना चाकू यूज़ किए इसको एकदम कम। और ये राजू के ये कागज़ को इधर, तो चलो फटाक से इसको ओपन करते हैं। ये अरे वाह, बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स। इसको इजी टेक्निक से बाहर निकालते हैं हम लोग। यस, खुल जा सिमशिम। सिमशिम नेपाल वाला लैंग्वेज से आ रहा है मेरे को। सिमशिम, ओहो कुछ है इसके अंदर भाई, बड़ा सा है दिख रहा है। मटका तो नहीं भेजा किसी ने मेरे लिए कि भाई गर्मी के टाइम में मटके में पानी ठंडा करके पीना, बिकॉज लाइट बिल तो इतना आता है पूछो मत। उनकी मटका ही आई थी सो नहीं, इजी ये मटका फूट ना जाए। अरे नहीं, मटका विटका कैंसिल, इसे साइड रखते। सबसे पहले मुझे तो इसके अंदर तो कुछ अलग ही है भाई। एक मिनट, वाओ, मेमोरियल ऑफ स्पीच। तो ये आप पढ़ लो और मुझे भी बता दो हिंदी में, ओके। तो ये बुक में ना, मतलब ये बुक है कन्हैया से कन्हैया तक, मतलब कन्हैया की कहानी होगी। वाओ यार, चलो पहली बार मतलब मुझे कुछ सरप्राइज पे सरप्राइज है। मुझे लगा कि इसके अंदर कोई मुझे मटका भेजा रहेगा पानी ठंडा करने के लिए, लेकिन इसके अंदर तो मुझे थोड़ा सा दिखा कि हेलमेट जैसा दिख रहा है। लेकिन हेलमेट के अंदर एक दो बुक मिले जरूर सीखा। हम राइड पे मतलब जब राइड पे जाएंगे तो ये बुक को साथ में लेके जाएंगे और इसको रीड करेंगे। जब थक के हम चूर हो जाएंगे तो इसे रीड करेंगे। इसे मैं यहाँ रखता हूँ और काफ़ी सारे बॉक्स जमाऊंगे इस बॉक्स को प्रॉपर रखते, बिकॉज बॉक्स आगे बहुत काम आएगा। तो मैं इसको साइड में रख देता हूँ यहाँ पे। तो बॉक्स के अंदर से मुझे एक पेपर मिला। ओहो, इस पेपर में कुछ डेट्स नेमिंग कली नाम लिखा है कुछ तो। ओके मैं पेपर बाद में चेक करते क्या दिया, पेपर में वही लिखा रहेगा कुछ तो, हमने आपको ये भेजा ये वो, सो बाद में चेक कर लेंगे। तो स्टार्ट करें, 1 2 3 गो। ओहो वाओ, अभी आपको भी मालूम पड़ गया, पता नहीं कोई जरूरत नहीं कि हाँ भाई इसके अंदर आपको आया है हेलमेट। पैकिंग तो लाजवाब है भाई, मतलब बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स, बॉक्स के अंदर दो बुक मिली है कि आप अच्छे से रीड करें, और उसके अंदर एक ये बैग मिला है। सो पता है आपको मुझे मतलब बैग से कितने प्यार मोहब्बत है कि इसमें बहुत सारा काम हो जाएगा। मतलब हम अपने कपड़े इसमें रैक पैक करके मैं राइड पे लेके जा सकता हूँ, मतलब आराम से मेरा 2 जीन्स 2 टी शर्ट आ सकता है। तो बैग को यहाँ पे रखते हैं। तू क्यों भड़क रहा है यार, ये भी भड़क रहा है यहाँ पे उसको। वाह, ओ माय गॉड, सो रेडी है आप लोग? 1 2 3 को। ये क्या है? ओके ये रहा चमचमाता रेड कलर का एक हेलमेट, इसके पीछे नाम लिखा है स्टील बर्ड एयर। वाओ यार, वीडियो देख के भाई मतलब मुझ पे तो भाई हेलमेट ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो कि मतलब मैं तो इस दुनिया का हूँ नहीं, मतलब फुल मतलब आगे से कुछ दिख नहीं रहा है। इतना बड़ा उसमें वाइजर लगा है जिसकी वजह से उस हेलमेट का लुक बहुत ही अलग कर रहा था। और उस हेलमेट में सबसे खास बात कि जैसा आपको मतलब दिखता है कि उस हेलमेट में मिरर जैसा वो हेलमेट काम कर रहा है, मतलब सामने वाले को दिखेगा नहीं कि अंदर वाला बंदा वो हमको दिख रहा है किसी और को दिख रहा है। तो ये एक स्पेशल उसमें है कि मतलब बाहर वाले को दिखेगा नहीं कि अंदर वाला किधर दिख रहा है किसको दिख रहा है, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। अब बात करते हैं हेलमेट कहाँ से आया है,
कैसे आया है और आप ये हेलमेट को कैसे बाय कर सकते हैं। ओके सो हेलमेट किधर है यार, हेलमेट? ओहो तो ये रहा हेलमेट। तो ऐसा हेलमेट लेने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया रहेगा जहाँ से आप आराम से ये हेलमेट ने, इसमें बहुत सारे कलर के हेलमेट है, वाइजर में भी अलग अलग है, साइजेस भी अलग है और इस हेलमेट में बहुत सारी खासियत है जो आपको बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो जरा हम नज़दीक से देख लेते हैं क्या इसमें यूज़फुल है जो आपको रेगुलर काम आएगा। अच्छा पहली बात, ये जो हेलमेट है एकदम छोटा साइज, ओके, इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ किया गया भाई बहुत ही कमाल का, एकदम स्मूथ है। और सबसे स्पेशल भाई, जिसको हेडफोन में गाने सुनने को मतलब पसंद है कि नहीं भाई मैं गाने सुनता हूँ, तो अंदर हेडफोन के लिए मतलब जगह भी है जो यहाँ पे दिया है। आई होप ये रहा वो जगह जहाँ पे आप अपना आराम से हेडफोन स्टे मतलब आराम से हेडफोन लगा सकते हो और बिना ज़्यादा मगजमारी की ये मतलब अलग से जगह बनाना पड़ेगा, काट वेट कैसा कुछ नहीं है। तो पहले से यहाँ पे वो जगह दिया गया है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। और सबसे स्पेशल जब जैसे कि यहाँ पे देखेंगे एयर पास होने के लिए, यहाँ पे दिया है एयर वेंट की और यहाँ पे एक बटन भी, मैं इसको लॉक कर देता हूँ पहले। और ये सबसे बेस्ट की लॉक, इस तरह का आवाज़ आएगा तो जाके ये लॉक हो जाएगा। और यहाँ पे एक बटन दिया है जो एयर मतलब एयर पास होने का, एयर पास करने का बटन है जो चालू और बंद होता है, जिसके वजह से अगर अंदर एयर है तो वो यहाँ से आराम से निकल जाएगा और आपको थोड़ा सा सर में ठंडे जैसा फील होएगा, तो ये एक अच्छी बात है। और सबसे बेस्ट तो पीछे का लुक, ये जो लुक है ये सबसे अलग करता है, ऐसा लगता है कोई मॉन्स्टर का पीछे का हड्डी जैसा दिख रहा है। हम बाद में इसमें देखेंगे LED लाइट फिट करने का, अगर वो जलेगा तब तो सबसे यूनिक और सबसे पीछे कंपनी का नाम दिया है स्टील बर्ड, तो मतलब लोगों को पहले ब्रांड पे दिख जाएगा कि भाई भाई बंदा ब्रांड वाला हेलमेट पहन के जा रहा है, मतलब दम है। सो और कुछ नहीं, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, ज़्यादा बोलने से अच्छा कि आप नीचे जो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जाओ लिंक पे चेक करो कि और क्या क्या वहाँ पे अवेलेबल है, क्या पता आपको कुछ ये पसंद या इससे अच्छा वाला पसंद आ जाए। आज की चीज़ मेन चीज़ तो बताना भूल ही गया कि जो मतलब मेरे हेलमेट में है मैं वो बहुत कम यूज़ करता हूँ, लेकिन इसमें है वो, कहाँ गया बटन? ओके तो मतलब समझो कि आपको कभी पूरे वाइजर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको चश्मा पहनना है और आप मतलब आप भूल गए चश्मा लाना तो टेंशन की बात नहीं है, इसके अंदर वो भी दिया गया है जो आपको एकदम फुल क्वालिटी में दिख रहा है। सो ये एक अच्छी बात है। और समझो कि बहुत ज़्यादा धूप है, एक मिनट, बहुत अभी तो गर्मी इतनी आ रही है कि बहुत ज़्यादा धूप है और आपने ये वाइजर लगा लिया और उसके बाद भी ज़्यादा धूप दिख रहा है, तो अपना इधर सेफ्टी है, इसको लगाने के बाद ये लगा लिया तो थोड़ा आपको डार्क जैसा फील होएगा और आँखों को ज़्यादा तकलीफ नहीं होएगा, तो ये एक स्पेशल है इसमें, कूल। तो कोई गेस कर सकता है कि फिर टाइम कितना हो रहा है? और जो आपने वीडियो देखा हेलमेट का, भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पूरे बोईसर में सबसे पहला हेलमेट वो मेरे पास है, क्योंकि जब मैं हेलमेट पहन के चला रहा था तो बच्चों का एक्सप्रेशन और बड़ों का एक्सप्रेशन देखने लायक था कि वो उसका हेलमेट देख कैसा है। मीन पूरा फेस जो है कांच से कवर हो गया था, कहाँ पे से पेट्रोल भर रहा था, इधर से कि उधर से। और भैया ऐसे बस इसको लेके घूम रहे हैं आज? कितना सा पेट्रोल था? इतना सा पेट्रोल था, वो कार्बोरेटर में रहेगा ना, टेंशन क्यों लेता है? हाँ वही बचा बचा। में आया 500 रुपये में 5 लीटर 0.69 ऐसा कुछ आया, मतलब अगर मैं राइड का प्लान सोच रहा हूँ इस बाइक पे, वो तो करना ही भाई, जो भी हो ये तो मुझे करना है इस बाइक पे राइड का प्लान, भले कितना भी महंगा हो तो टेंशन नहीं। लेकिन इसके पहले मैंने कैमरा सेट किया वो ठीक से, मेरे दिमाग में ना कुछ है नहीं बचा, सब खत्म हो गया है। तो मैं यहाँ पे अभी आप लोगों से आइडिया लेना चाहता हूँ कि आपको हेलमेट कैसा लगा। हेलमेट बहुत ज़बरदस्त था, हेलमेट भाई उसका जो आगे खास था ना, एक नंबर खास था, उसमें मज़ा आ गया मेरे को। उसे मैं पहला हेलमेट होता मेरे पास है और ये रियल बुलेट सिंह है, यहाँ पे भी आपके सामने ऐसे ही रहता हूँ भाई, यही है मेरा स्टाइल बस। सो यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, मैं KTM पे राइड करूँ भाई, ध्यान से सुना, मैं KTM पे राइड करूँ कि मैं अपनी एक एवरेज वाली बाइक ले लूँ जिस पर मैं धूम मचा दूँ पूरा गाड़ी को बना के, KTM पे राइड करूँ या एवरेज वाली बाइक लूँ? कमेंट 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 एवरेज वाली बाइक और कौन सी बाइक लूँ
जिसको ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, मतलब जिसको ज़्यादा जिस बाइक का ज़्यादा कमेंट आएगा वो बाइक हम ले लेंगे, पक्का ले लेंगे। और वो सब लोग बोल रहे कि नहीं KTM पे जाके राइड करके आ जाओ उसके बाद बाइक लो, वैसा भी हो सकता है, तो आपको बताना है। और यहाँ मैं बहुत परेशान हो गया हूँ जिसकी वजह से कल मैंने एक भी इंस्टाग्राम पर स्टोरी अपलोड किया नहीं, कुछ दिमाग ख़त्म हो गया यार। दिमाग से एक चीज़ बोलता है, बेटा तू आराम कर वरना बाहर जाएगा तो कुछ ना कुछ कांड हो जाएगा। हाँ जी, मेरा बिहेव भी सबसे बिगड़ रहा है, मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे उससे बात कर रहा है उनको छेड़ रहा हूँ, सब जगह चिड़चिड़ा जैसा मन हो गया है। चलो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि भाई कौन सी एवरेज वाली बाइक लो या KTM पे राइड करो, बता दो। KTM इक्वल के KTM से वन टाइम के लिए मेरे पास, मतलब वन टाइम राइड कर सकते हो, सेकेंड टाइम ऐसा हाल हो जाएगा, लेकिन एवरेज वाली बाइक लिया ना तो राइड कर सकते हो।